ये पार्ट टू है ट्विन फ्लेम जर्नी के साइंस का। तो जैसे ही एक अच्छे से फेज पे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी आ जाती है तो कुछ इंटेंस साइन मिलने शुरू होते हैं। उसमें से एक है कि एक अननोन पर्सन दिखाई देता है आपको, जो कि आपके ट्विन जैसे दिखता भी नहीं, जो अलग दिखता है, जिसका चेहरा कंप्लीटली समझ में नहीं आता है आपको, क्योंकि ऐसा इंसान आपने दूसरा कोई देखा ही नहीं होता है। तो बिल्कुल अननोन पर्सन होता है ये, और वो ऐसे दिखाता है जैसे वो आपका कोई बहुत ही नज़दीकी हो, जैसे बॉयफ्रेंड हो, जैसे हस्बैंड हो, कुछ कुछ बहुत ही गहरा रिश्ता हो, जैसे ये इंसान आपके लिए मर मिटने को तैयार हो, जैसे आप में उसकी जान हो, जान अटकी हो। ये मतलब उसके चेहरे पर एक दर्द भी दिखाई देता है। तो बहुत ही मतलब इंसान जो आपके लिए मर मिट सकता है, कुछ एक ऐसा इंसान आपको दिखता है। और कुछ बातें भी शायद वो करता हो तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो कि ये इंसान है कौन और क्यों आ रहा है ड्रीम में। नेक्स्ट साइन है कि ड्रीम में मुझे नंबर दिखाई देने लगे, जो चार अक्षर वाले नंबर थे। अब वो नंबर एग्जैक्टली क्या थे ये अब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था, शायद 1111 हो या कुछ और हो, बट चार अक्षर ही नंबर थे। और दो बार ऐसे ड्रीम आए जब नंबर दिखाई दे, तो मैंने गूगल पे सर्च भी किया बट उसका मुझे कुछ मीनिंग समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर मैंने गूगल पे डाला होता एंजल नंबर मीनिंग तो शायद वो दिखाता, बट ये मैंने जस्ट नंबर का मीनिंग क्या है ये डाला तो कुछ भी मुझे उसका आंसर नहीं मिला। तो मैंने छोड़ दी वो चीज़, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हो सकता है आपको कुछ जोड़े दिखाई दे, जैसे मुझे कछुए का जोड़ा दिखाई दे, मैंने देखा एक बाथरूम है उसमें बकेट है और बकेट में दो प्यारे से कछुए, जोड़ा है उनका, ऐसा मैंने देखा। कुछ लोग बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं आपकी ट्विन जर्नी में, जैसे कोई भी हो सकता है, ट्विन की साइड से उसकी बहन हो, वाइफ हो, या कोई भी हो, ज़्यादा कनेक्शन भी आपका उसके साथ ना हो, बट कुछ ऐसी मीटिंग हो जाती है जिसमें वो वही बातें बताती है आपको जो ट्विन जर्नी से रिलेटेड हो, क्योंकि ट्विन तो अनजान होता है आपके लिए, उसके बचपन में क्या हुआ, उसकी लाइफ में क्या हुआ, ये आपको पता नहीं होता है, बट वो इंसान शायद आपको बताए कि उसके फादर ने दो शादियां की है या ऐसा है वैसा है, कुछ जानकारी वो आपको आपके ट्विन की दे, ऐसा एक इंसान हो सकता है। और जैसे कठपुतली होती है ना, वैसे कभी कभी लगता है ये इंसान को जैसे मैनेज करके भेज दिया है, तुमको ये रोल प्ले करने का है, बाद में ये रोल प्ले करने का है, मतलब उसका पार्ट वो अदा कर देता है जो भी भगवान ने उसको उसके अंदर डाल के भेजा है, उसकी ड्यूटी डाल के भेजी है वो प्ले करता है। तो एक इंसान ऐसा होता है जो आपको ट्विन जर्नी से रिलेटेड थोड़ी मदद उससे मिलती है, जानकारी मिलती है आपके ट्विन की, क्योंकि आप खुद तो ट्विन को देख के भाग जाते हो तो फिर आपको कैसे जानकारी मिलेगी, नहीं मिल सकती। तो कोई एक इंसान हो सकता है कि जो आपको उसके बारे में बताए, बाद में आपको पता चलेगा कि ये तो गॉड का प्लान था कि इसके थ्रू मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली, और वही इन्फॉर्मेशन मिली जो कि जब काम आई ट्विन फ्लेम जर्नी को कंफर्म करने के लिए। जब ट्विन फ्लेम जर्नी एकदम स्टार्ट हो जाती है तो कुछ ऐसा होता है, दोनों ट्विन्स को अपनापन लगने लगता है, तो ऐसा ये प्यार नहीं होता एकदम से, बट फ्रेंडलीनेस, क्योंकि वो पहले जो एक दूसरे से एकदम डरते थे अब वो उतना नहीं डरते, मतलब डरते हैं अभी भी डरते हैं, बट थोड़ा सा कुछ जैसे इसेंस डाल दिया हो गॉड ने कुछ, तो सब अच्छा लगने लगता है, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसकी वाइफ, सब अपना सा थोड़ा सा लगने लगता है। और ये भी आई थिंक एक साइन होता है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा कि एक होम वाली फीलिंग आती है ट्विन से, होम वाली फीलिंग आती है, वो आपको उतना कंफर्ट देता है। तो हाँ, एक होम वाली फीलिंग जरूर आपको उस टाइम पे आएगी स्टार्टिंग में, बट ये ज्यादा दिन तक नहीं रहता, उसके बाद तुरंत एक टावर मोमेंट आता है, जैसे टावर कार्ड होता है ना,
एक टावर फटता है, उस आग लगती है टावर में, लोग जलते हुए टावर से कूद जाते हैं, तो ऐसे एक सिचुएशन आ जाती है कि बहुत बुरी सिचुएशन आ जाती है और आप दोनों में सेपरेशन आ जाता है। और एक साइन है कि आपके ट्विन का नाम आपको बार 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 दिखता है, इतनी बार दिखता है कि आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब जैसे कोई छेड़ रहा है आपको उसका नाम दिखाकर, उस टाइप की फीलिंग आपको आती है। कि उस टाइम पे मुझे एडिक्शन हुआ था टिकटॉक का, तो उस वीडियोस में कहीं ना कहीं वहाँ पे नाम रहता था, और साई बाबा का चरित्र मैं जो पढ़ती थी उसके हर एक पेज पे मुझे उसका नाम दिखाई देता था। तो वो मुझे थोड़ा, मतलब ये मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कि इसका नाम हर जगह क्यों दिख रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्विन जर्नी में साइन होता है कि उसका नाम आपको इतनी बार दिखता है कि आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग लगे कि ये इतना क्यों दिख रहा है। तो ये होता है। और जब टावर मोमेंट में आप डिप्रेशन में जाते हो तो कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपकी मदद ज़रूर करता है, कोई एक तो ज़रूर होता है, और वही इंसान हो, लेडी हो या फ्रेंड हो, आपको एंजल्स के रूप में दिखाई देती है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, पहले ज़्यादा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं था, जब मैं डिप्रेशन में गई थी सेपरेशन के बाद, तो उसने मेरी काफ़ी केयर ली थी, और मैंने ड्रीम में देखा कि उसने एक परी जैसा ड्रेस पहना है और बहुत ही प्यारी सी वो मुस्कान दे रही है। तो मैंने उसको ये बताया भी कि तुम एंजल के रूप में मेरे ड्रीम में आई थी। तो एंजल किसी न किसी से कनेक्ट हो जाते हैं, एंजल की शक्तियाँ, और आपकी मदद करने लगती है। सबसे बड़ा साइन, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट साइन होता है ट्विन जर्नी का, जहाँ पे आपकी सर्च ही खत्म हो जाती है, वो है हार्ट चक्र एक्टिवेट होना। आप जैसे ही ट्विन के लिए कुछ फील करने लगते हो, क्यों ना फ्रेंडली ही फील करो, फिर भी मतलब एक कंफर्ट होम वाली फीलिंग आपको आती है, और उसी टाइम पे आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, क्योंकि आत्मा पहचान लेती है कि ये मेरा सोल पार्ट है। भले ही आप थर्ड डायमेंशन में उसको ना पहचानो, ना फर्क करो, कुछ भी करो, बट आत्मा पहचान लेती है और वो उस वाइब्रेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। आप देखोगे कि ये वाइब्रेशन को आप बिना सोचे एक्सेप्ट कर लेते हो, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि वो उसे आप निग्लेक्ट नहीं कर पाते या अवॉइड नहीं कर पाते, उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो उस वाइब्रेशन, क्योंकि कई बार, बहुत बार आपको निगेटिव वाइब्रेशन दिखती है तो आपको वो नहीं चाहिए होती है, आप उससे भागते हो, बट ये ऐसा होता है कि ये वाइब्रेशन आपको छू ही लेती है, ये उससे आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो उससे आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, लिटरली आप हार्ट की तरफ देखने लगते हो कि ये क्या हो रहा है, और गोल गोल बहुत बड़े शेप में वो घूमने लगता है, घर 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 घर, जैसे चक्का कोई घूमा होता है ना, कुम्हार मटके बनाता है, और कैसे वो घर घर घूमने लगता है, तो वैसे ही आपका हार्ट चक्र घूमने लगता है एक आधा सेकंड के लिए, आधा मिनट के लिए वो, या 15 सेकंड कुछ, वो ऐसे मस्त घूमता है, और आपको बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है कि मेरा हार्ट चक्र घूमने लगा। उसके बाद हार्ट चक्र घूमने के बाद 20 मंथ बाद, आफ्टर 20 मंथ, मेरा कुंडलिनी राइज हुआ, मतलब कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ी, पूरे वो जो स्पाइन का पूरी हड्डी होती है पीछे की, वो नीचे से जो आप जैसे बंदर की जहाँ पे पूंछ होती है वहाँ पे वो कुंडलिनी चक्र होता है, तो वहाँ पे स्पाइक, एक एनर्जी करंट जैसा आप फील करने लगते हो, जैसे आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे करंट टाइप का फील आपको आता है, और धीरे धीरे वो एनर्जी ऊपर उठने की कोशिश करती है, और मुझे उसके लिए 20 महीने लगे, आफ्टर 20 मंथ वो पूरी तरह से ऊपर आई। तो ये हार्ट चक्र ओपन होना और कुंडलिनी एक्टिवेशन, यही ट्विन जर्नी का सबसे मेन साइन है। बाकी सारे साइन कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर ये साइन ना हो तो आप कंफर्म कर लो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, क्योंकि टाइम लगता है उसके लिए, आपके सातों चक्रा भी, सिर्फ हार्ट चक्र नहीं, बाकी सारे चक्रा भी आपके वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और कुंडलिनी भी ऊपर चढ़ती है। तो ये
सबसे बड़ा साइन है, इम्पॉर्टेंट साइन है। बाकी आप अगर आप सोचोगे डिसफंक्शनल फैमिली है, क्योंकि होता है दोनों डिसफंक्शनल फैमिली में होते हैं, तो माँ बाप का अच्छे से प्यार न मिलना, कहीं सौतेली माँ होना, या माँ या बाप में से कोई दूसरी शादी कर ले जिसकी वजह से घर में प्रॉब्लम्स होना, ये होता है। बट ऐसा हुआ है इसका मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये नहीं हो सकता। तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट साइन होता है हार्ट चक्र का एक्टिवेट होना, सातों चक्रों का एक्टिवेट होना और कुंडलिनी एक्टिवेट होके ऊपर चढ़ना। सातों चक्रों को वो क्रॉस करती है, एक्टिवेट करती है। आपके टाइम लगता है इसमें, बट आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है पीरियड्स लेडीज के, वो भी ऑटोमेटिक 1 साल बाद या ट्विन जर्नी के आने के बाद ऑटोमेटिक, आपके कितने सालों से प्रॉब्लम होंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, तो ये भी होता है। चक्रों के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हार्ट चक्र जो होता है वो स्टार्टिंग में ही एक्टिवेट हो जाता है। कहते हैं कि बुरे एक्सपीरियंस की वजह से, कोई एक जो होता है दोनों ट्विन में से, वो अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर लेता है। मतलब मेरे हार्ट में अब कोई एंट्री नहीं करेगा, मैं किसी के प्यार में नहीं पड़ूंगी, तो ये एक फीलिंग जो होती है वो मतलब टूट जाती है ऑटोमेटिक, क्योंकि वो आप ही की सोल होती है तो आपके अंदर एंटर कर जाती है, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि वो आप ही की सोल है। तो वो एक तो साइन है कि भले आप दुनिया में किसी से भी प्यार ना कर सको, बट कुछ तो फीलिंग आपके अंदर एक्टिवेट जरूर होगी अगर आपका ट्विन वो रियल में होगा। बट उससे पहले आप बिल्कुल ड्राई होगे, मतलब आपके आपको वो कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, मतलब मेरे लाइफ में तो अब कोई भी कनेक्शन नहीं आएगा और मैं आने भी नहीं दूंगी। तो इतनी स्ट्रांग डिवाइन फेमिनिन हो जाती है, उस डंडा लेके जैसे बैठी हो कि नहीं, मेरे लाइफ में तो कोई नहीं आ सकता। जितना भी खूबसूरत कोई लड़का देखे तो मैं मन ही मन में उसको 4 गालियां और दे देती थी, पर मुझे लगता था हट तेरी क्या औकात, मैं किसी के चक्कर में पड़ने ही नहीं वाली हूँ। तो मेरे सामने अच्छे अच्छों की मतलब क्या कह सकते हैं, कोई मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकता था, ये मेरा ऐसा हो गया था। एक साइन है, आपको खिड़की के बाहर आपका ट्विन दिखाई दे सकता है। तो जो भी इन सोल आपसे कनेक्ट होने वाली होती है, तो ये एक साइन होता है कि ये आपसे अब कनेक्ट हो रहा है, आपको देख रहा है, आपसे अपने इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये ड्रीम दो टाइप के भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे दो ड्रीम आया ऐसे। एक ड्रीम में आपका ट्विन आपको देख रहा होता है, दूसरे ड्रीम में ट्विन भी दिखता है। ट्विन के साथ कोई ऐसा इंसान दिखता है जो ऐसे डेविल एनर्जी में दिखता है। मतलब ये मैंने सुना है कि ये भी सपना कॉमन है और बहुत लोगों को ऐसा आता है कि एक बार ट्विन दिखता है, दूसरे टाइम पे ट्विन के साथ कोई और भी दिखता है जो एक डेविल सोल होती है, या पितृदोष कह सकते हैं, कोई बुरी आत्मा होती है जो आपसे कनेक्ट होना चाहती है। तो ये भी होता है। सडन आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, पहले से ही होती है इंट्यूशन, बट अब जो होती है बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। किसी के भी मन की बात आप पढ़ लेते हो, आने वाली चीज आपको पहले से ही होने लगता है, बट ये थोड़ा स्ट्रांग होने लगता है कि आप इंट्यूशन आपकी अब बहुत ही अचानक स्ट्रांग हो गई, अचानक आपको और ज्यादा चीजें समझने आने लगी। तो ये होता है। सेपरेशन में मैंने देखा कि जहां मैं सो रही थी वहां मैं दिखाई नहीं दी, मेरी जगह पे ट्विन बैठा हुआ है। तो मैंने सोचा मैं कहाँ गई, मैं तो यहाँ सो रही थी। तो ये भी होता है कि क्योंकि वो आपकी सोल होती है तो वो आपको वहां पे दिखती है, आपको ये बताया जाता है कि ये आप ही की सोल है, ये एक साइन होता है। बट उस टाइम पे ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ऐसा क्यों दिख रहा है। और एक साइन है कि आप सो रहे हो और अचानक आपका ट्विन शायद आपको याद कर रहा है, तो आपको उसकी आवाज सुनाई देती है। और ये आई थिंक कॉमन साइन है और बहुत लोगों को ये मिलता है। और आप ये आवाज ऐसी होती है कि आपको ऐसा लगता है कि सचमुच किसी ने पुकारा है, और आप उठ के घर में बाहर जाके दरवाजा खोल के देखते हो कि कौन है, बट कोई नहीं होता है,
और जैसे तैसे आपको समझाया जाता है कि आपकी ट्विन ही आप ट्विन फ्लेम की ही आवाज है, तो बहुत सारे ट्विन्स को अलग-अलग लेवल होती है उनकी, तो जितनी उनकी इंट्यूशन पावर होती है, कुछ लोगों को आवाजें भी सुनाई देती है जागते हुए भी, अगर आपका ट्विन कुछ कह रहा है तो उसकी आवाजें भी सुनाई देती है। एक बुरा साइन है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कंसंट्रेशन, जो पहले आप जिन चीज़ों में इंटरेस्टेड थे, अब आप मतलब कुछ ऐसा हो जाता है दिमाग खाली, जैसे दिमाग को ब्रेन को खून ही नहीं पहुंच रहा, कंसंट्रेशन ही नहीं हो रहा, खाली सा लग रहा है, से एनर्जी पूरी खत्म हो गई है, ऐसा कुछ लगने लगता है, और काफ़ी टाइम तक ये चलता है। तो कहते हैं कि पागल होने का चांस होता है, तो ये बहुत ज़बरदस्त चांस होता है। और एक होता है कि अदर कनेक्शन, आप किसी के पीछे भाग रहे हो, बट ट्विन कनेक्शन ऐसा होता है जिसमें आपको डाला जाता है, आप खुद नहीं पढ़ते उसमें, आप उस कनेक्शन में भागना चाहते हो, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ही अलग स्टेज में, बहुत एज हो चुकी होती है, या बहुत बुरे एक्सपीरियंस आप लाइफ में ले चुके होते हो, तो अब आप किसी कनेक्शन में पढ़ना नहीं चाहते, बट ये कनेक्शन ऐसा होता है आपको ज़बरदस्ती उसमें डाला जाता है, भगवान उसको आपको सिलेक्ट करते हैं इस कनेक्शन के लिए और उसमें डाल देते हैं। इस बीच में आपको कोई गलत आदत लग सकती है, जैसे मुझे मोबाइल एडिक्शन हो गया था, तो इतना एक लॉर फील होता है, क्योंकि मेरी अवेकनिंग राहु की महादशा, उसमें भी राहु की अंतरदशा, राहु की महादशा और केतु की अंतरदशा जो 3 साल तक चलती है अंतरदशा, और राहु की महादशा 18 साल तक चलती है, पहले से ही राहु की महादशा शुरू, उसमें केतु की अंतरदशा, तो बहुत ही बुरा हाल होता है, पूरी निगेटिव शक्तियाँ आप पे अटैक शुरू कर देती है, तो ये होता है, और जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन, मतलब राहु दिमाग होता है, राहु को कहा जाता है कि धड़ होता है, और केतु जो धड़ होता है, राहु जो सिर होता है, तो राहु पूरी तरह से आपके माइंड को कंट्रोल कर लेता है, आपको एडिक्शंस में फंसा देता है, अब जो नहीं करना चाहते वो आपसे कराता है, तो ऐसा होता है, कंसंट्रेशन पूरी तरह से खो जाता है, एडिक्शन लग जाता है। और इंडिगो चाइल्ड्स के साथ ये होता है, क्योंकि मैंने सर्च के हिसाब से मैं एक इंडिगो चाइल्ड हूँ, नीला रंग बार बार आपको दिखता है, इतना दिखता है, इतना दिखता है, आपकी ट्विन का घर का छत पूरा नीला दिखाई देने लगता है, वो आपको नीले कपड़े पहने हुए दिखाई देता है, कोई बिस्किट का नीला पैक आपको गिफ्ट कर रहा है, नीलम रत्न आपको दिखता है, किसी भी फॉर्म में दिख सकता है, और नीला रंग बहुत दिखता है, जो कि इंडिकेशन होता है आध्यात्मिक उन्नति का भी, और इंडिगो चाइल्ड्स का भी ये एक साइन है आई थिंक, जो बताता है कि आप इंडिगो स्टार सीड हो, तो ये आई थिंक ये साइन था, पर उस टाइम पे मैं समझ नहीं पाई। हर वो सवाल जो आपके मन में उठता है, कहीं ना कहीं से आपको उसका जवाब मिल जाता है इंटरनेट के थ्रू या किसी के भी थ्रू, ये भी एक जबरदस्त, मतलब आप सोचोगे हो क्या रहा है कि हर एक सवाल का मुझे जवाब मिल रहा है, मन में सोच रही हूँ जवाब मिल रहा है, ये बड़ा ही चमत्कारिक सा तरीके से हर एक सवाल का जवाब मिलने लगता है। और 11 11 नंबर स्टार्टिंग में, तो ये 11 11 नंबर ट्विन फ्लेम नंबर कहा जाता है जिसको, ये इतना ज्यादा दिखाई देता है कि आप परेशान हो जाते हो कि ये हो क्या रहा है, और आप फिर उसका मीनिंग सर्च करते हो तो आपको पता चलता है कि ये ट्विन फ्लेम नंबर है। 6 9 नंबर भी स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिखता था, ये भी होता है, तो मैं थर्ड पार्ट बनाऊंगी। थैंक यू।